आइए अब देख लेते हैं भारत चीन टकराव से जुड़ी इस वक्त की 25 सबसे बड़ी खबरें। चीन पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय का बयान, चीन से निपटने की कई मोर्चों पर तैयारी, सीमा की सुरक्षा के लिए उठाए मजबूत कदम। पत्रकार राजीव शर्मा, चीनी महिला और नेपाली नागरिक 7 दिन की पुलिस रिमांड पर, चीन के लिए जासूसी करने का आरोप। भारत चीन के बीच कमांडर लेवल की बातचीत जारी, पहली बार विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधि भी हैं शामिल। बैठक में भारत की ओर से 12 अधिकारियों की टीम, भारत की ओर से 2 लेफ्टिनेंट जनरल। राफेल को जल्द मिलने वाली है पहली महिला पायलट, अगस्त महीने से महिला पायलट ले रही है ट्रेनिंग। एलएसी पर बढ़ी भारत की ताकत, राफेल विमानों ने चीन के खिलाफ संभाला मोर्चा, वायुसेना ने लद्दाख में उड़ाए राफेल। एलएसी से लगी 6 नई चोटियों पर भारत का कब्जा, सामरिक तौर पर चीन पर बनाई जबरदस्त बढ़त। पूर्वी लद्दाख में 20 से ज्यादा चोटियों पर भारत का पूरा कंट्रोल, भारत की मजबूती देख ड्रैगन के होश उड़े। घबराए चीन ने पूर्वी लद्दाख के पास अतिरिक्त जवानों की तैनाती की, रेजांगला और रेचांगला के पास चीन की हरकत। लद्दाख में भारत के हवाई वर्चस्व से डरा चीन, धोखे से भारत के इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम कमांड नेटवर्क को बनाना चाहता है निशाना। बातचीत की आड़ में चीन का जंग का प्लान, बातचीत की आड़ में हमले की फिराक में है चालबाज चीन। चीन के पूर्व जनरलों ने जिनपिंग से मांगे सुझाव, ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा करने की फिराक में है चीन। हमले की तैयारी में चीन, बॉर्डर पर तेजी से वॉर ड्रिल कर रही है पीएलए, रात के अंधेरे में कर रही है युद्धाभ्यास। पाकिस्तान ने चीन के बैकअप के लिए एलएसी पर तैनात किए 20,000 सैनिक, सियाचिन में 7 यूनिट्स तैनात। चीन चल रहा है 1962 जैसी चाल, लद्दाख से ध्यान भटकाने के लिए साउथ चाइना सी में पीएलए कर रही है लाइट ड्रिल। भारत अमेरिका से घबराए चीन का नया पैतरा, चीन ने दिखाई कैरियर किलर DF-21D की ताकत, 18 किलोमीटर है मारक क्षमता। नेपाल को चालबाज चीन ने दिखाई नापाक चाल, नेपाल चीन सीमा का गायब किया स्तंभ। ताइवान को डराने की कोशिश में जुटा चीन, पीएलए ने ताइवान की एयर स्पेस में भेजे बॉम्बर जेट्स। ताइवान पर हमले की तैयारी में चीनी सेना, ताइवानी स्ट्रेट के पास पीएलए की वॉर ड्रिल। चीन के लिनशिया में ढाई जा रही हैं मस्जिदों की गुंबदें, इनकी जगह लगाए जा रहे हैं चीनी ढांचे। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने फिर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पर बोला हमला, कहा चीन के डिटेंशन कैंप में कैद हैं 10 लाख से ज्यादा मुसलमान। चीन को घेरने के लिए तिब्बत ताइवान एक साथ, दलाई लामा ने वीडियो जारी कर ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर जताया शोक। चीन से बढ़ती तल्खी के बीच ट्रंप ने जापान के नए पीएम योशीहिदे सुगा से की बात, एशिया पैसिफिक रीजन के ताजा हालात पर हुई चर्चा। ट्रंप को खतरनाक जहर भेजने वाली महिला गिरफ्तार, महिला ने ट्रंप के लिए लिफाफे में भेजा था जहर। ईरान इस साल तक बना सकता है परमाणु बम, ट्रंप ने लगाए प्रतिबंध, नए प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर, सपने टूटे आपके न घर के न घाट के, देखिए लूट घर हर रात 9:30 बजे, फिक्र आपकी।